ऑपरेटर किस टूल का उपयोग कर रहा है? इसे स्विचिंग टूल कहते हैं। स्विचिंग टूल का उपयोग एक स्थायी ब्रेस्ड कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। ट्यूब के छोर को स्विचिंग करने से ये धीरे धीरे ट्यूब के छोर को चौड़ा करता है या फैलाता है। स्विचिंग टूल का उपयोग हम तब करते हैं जब हम एक जैसे डायमीटर वाले ट्यूब्स को जोड़ना चाहते हैं। स्विच ट्यूब के डायमीटर को बढ़ाने या अधिक करने के लिए होता है। स्विचिंग टूल एक पंच की तरह हो सकता है। स्विचिंग करने से महंगे फिटिंग्स की जरूरत के साथ साथ लीकेज की संभावना भी खत्म हो जाती है। आप स्विचिंग के द्वारा ट्यूबिंग का थोड़ी लंबाई तक आंतरिक व्यास बढ़ा सकते हैं ताकि ब्रेजिंग के पहले आप एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब को डाल सकें। दोस्तों, क्या आप समझा सकते हैं कि स्विचिंग टूल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? स्थायी ब्रेज्ड कनेक्शन बनाने के लिए स्विचिंग का उपयोग ट्यूब के एक छोर को चौड़ा करके या फैला के उसके साथ उसी डायमीटर वाली दूसरी ट्यूब को जोड़ने के लिए हो